वेलकम बैक टू द चैनल एवरी वन, आई होप यू गाइज यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। Xiaomi के दो ऐसे स्मार्टफोन जिसका काफी सारे लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, एक है Redmi K30 और दूसरा है Mi Note 10, जो कि कुछ ही दिनों में ये दोनों ही फोन इंडिया में लॉन्च होंगे। लेकिन इंतजार करने से पहले आपको दोनों ही फोन के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं ये जानना बहुत ही जरूरी है, साथ ही साथ दोनों ही फोन के ड्रॉबैक कौन से हैं ये भी जानना जरूरी है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं डिस्प्ले और डिजाइन के साथ। तो Redmi K30 में 6.6 इंच की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिलेगी, लेकिन Xiaomi यहां पर एक बहुत बड़ी गलती करने वाला है, जो कि है इस फोन की डिस्प्ले को लेकर। ये एक गलती Redmi K30 को काफी पीछे कर सकती है, जो कि है इस फोन की IPS LCD डिस्प्ले। आज की डेट में मोस्ट ऑफ ऐसे स्मार्टफोन हैं जो इस प्राइस पॉइंट पर सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आते हैं। अगर इंडिया में Xiaomi इस फोन के साथ एमोलेड डिस्प्ले ऑफर नहीं करता तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर रहेगा Redmi K30 के लिए। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले का होना बहुत बड़ा चेंज लाता है किसी भी स्मार्टफोन के लिए। आई होप आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। अब अच्छी बात ये है इस फोन की, यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिससे आपको मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा कंपेयर टू नॉर्मल डिस्प्ले। लेकिन एमोलेड डिस्प्ले का ना होना ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है काफी सारे लोगों के लिए, क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले की कमी 120 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले पूरी नहीं कर सकता। एमोलेड डिस्प्ले नहीं होने की वजह से इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अगर हम बात करें Redmi K30 के डिज़ाइन के बारे में, तो कुछ ऐसी डिज़ाइन होगी Redmi K30 की, ग्लास की बिल्ड क्वालिटी होगी और रियर साइड पर क्वाड कैमरास का सेटअप होगा। और अगर हम बात करें Mi Note 10 की, तो यहाँ पर आपको 6.4 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगी सुपर एमोलेड पैनल के साथ, और ये डिस्प्ले ड्यूअल कर्व जिसके साथ होगी, मतलब इसकी जो डिस्प्ले है वो काफी ज्यादा प्रीमियम है, जो हमें सैमसंग के फ्लैगशिप स्मार्टफोन में देखने को मिलती है। और साथ में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलता है, लेकिन सैडली इस फोन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले देखने को नहीं मिलती। तो यहां पर डिसाइड आपको करना है, आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले चाहिए या फिर एमोलेड डिस्प्ले चाहिए, क्योंकि Mi Note 10 में एमोलेड डिस्प्ले है लेकिन 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट नहीं है। दूसरी तरफ Redmi K30 में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है लेकिन IPS पैनल के साथ। दोनों में से हम किसी भी स्मार्टफोन के डिस्प्ले को परफेक्ट नहीं बोल सकते हैं आज की ट्रेंड को देखते हुए। बाकी दोस्तों, इन दोनों स्मार्टफोन में से किसी एक फोन के डिस्प्ले को चॉइस करना है, तो आप कौन सी एक स्मार्टफोन के डिस्प्ले को पसंद करोगे बताना मुझे आपकी कीमती राय नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर हम बात करें डिजाइन की, तो ऐसी डिजाइन होगी Mi Note 10 की, ग्लास की बिल्ड क्वालिटी होगी और रियर साइड पे पेंटा कैमरास का सेटअप होगा। और इस फोन की जो डिजाइन है वो काफी यूनिक है, अगर इसे हम कंपेयर करते हैं Xiaomi के अदर स्मार्टफोन मॉडल से। इसके अलावा दोनों ही फोन में सी टाइप पोर्ट और 3.5mm ऑडियो जैक का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, तो कनेक्टिविटी के मामले में दोनों ही फोन से आपको कोई भी शिकायत नहीं होगी। चलिए अब रुख करते हैं प्रोसेसर की तरफ। Redmi K30 का एक 5G वेरिएंट भी होगा, जिसमें Qualcomm Snapdragon 706 5G प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि एक 5G बैंड को सपोर्ट करता है। लेकिन इंडिया में 5G वेरिएंट लॉन्च होने के चांसेस बहुत ही कम हैं, क्योंकि इंडिया में फिलहाल के लिए 5G नेटवर्क अवेलेबल नहीं है। लेकिन 4G वेरिएंट जरूर से लॉन्च होगा, उसमें हमें देखने को मिलेगा Qualcomm Snapdragon 730G प्रोसेसर, और यही सेम प्रोसेसर हमें Mi Note 10 में भी देखने को मिलेगा, जो कि एक गेमिंग सेंट्रिक प्रोसेसर है। अगर आपकी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ गेमिंग की है, तो दोनों ही फोन में से आप किसी भी एक स्मार्टफोन के साथ जा सकते हो, आपको कोई भी शिकायत नहीं होगी दोनों ही फोन की गेमिंग परफॉर्मेंस से। वहीं अगर हम बात करें बैटरी कैपेसिटी की, तो Redmi K30 के दोनों ही वेरिएंट में 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, लेकिन जो फर्क होगा वो होगा चार्जिंग स्पीड में। Redmi K30 4G वाले वेरिएंट में 27 वॉट की फास्ट चार्जिंग होगी, और जो 5G वाला वेरिएंट है उसमें 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग होगी। वहीं दूसरी तरफ Mi Note 10 में 5260 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी विथ 30 वॉट फास्ट चार्जिंग। तो यहां पर Mi Note 10 बैटरी कैपेसिटी के मामले में आगे निकल जाता है कंपेयर टू Redmi K30।
चलिए अब रुख करते हैं कैमरा सेक्शन की तरफ। तो Redmi K30 4G और 5G वेरिएंट में दोनों ही कैमरा सेम हैं, बस थोड़ा सा फ़र्क है। रियर साइड पे दोनों ही फ़ोन में प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का है सोनी IMX686 सेंसर के साथ, जो कि एक लेटेस्ट सेंसर है। उसके अलावा दोनों ही फ़ोन में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है 5G वाले वेरिएंट में, जबकि 4G वाला जो वेरिएंट है उसमें 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है। इसके अलावा दोनों ही फ़ोन में 8 मेगापिक्सल का सुपर वाइड एंगल लेंस है। सेल्फी की बात करें तो दोनों ही फ़ोन में 20 मेगापिक्सल की सेल्फी हैं और साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। वहीं अगर हम बात करें मी नोट 10 की, तो इस फ़ोन में रियर साइड पे 5 कैमरास का सेटअप देखने को मिलेगा। जो पहला लेंस होगा वो होगा टेलीफोटो लेंस और यहाँ पे ये सपोर्ट करेगा 5x ऑप्टिकल जूम, 10x हाइब्रिड जूम और 20x डिजिटल जूम। सेकंड लेंस जो होगा वो होगा 12 मेगापिक्सल का डेडिकेटेड पोर्ट्रेट लेंस, जो आपको हेल्प करेगा पोर्ट्रेट पिक्चर कैप्चर करने के लिए। और जो थर्ड सेंसर होगा वो होगा 108 मेगापिक्सल का, जिसका अपर्चर होगा f1.7 और यहाँ पर आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन का भी सपोर्ट मिलने वाला है। उसके बाद जो फोर्थ सेंसर है वो है 20 मेगापिक्सल का सुपर वाइड एंगल लेंस और जो लास्ट सेंसर है वो है मैक्रो लेंस। तो ये फोन कैमरा के मामले में रेडमी K30 से आगे निकल जाता है। तो यहाँ पर Xiaomi ने इस फोन में पावर लोडेड कैमरा का सेटअप ऑफर किया है और सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का होगा। तो ये फोन गेमिंग परफॉर्मेंस के साथ साथ कैमरा डिपार्टमेंट में भी अच्छा परफॉर्म करने वाला है। तो ये हैं Xiaomi के 3 स्मार्टफोन, जिसमें से 2 स्मार्टफोन आपको दिसंबर के एंड में या तो जनवरी के फर्स्ट वीक में इंडिया में लॉन्च हो जाएंगे। एक है Redmi K30 4G वेरिएंट और दूसरा है Mi Note 10। Redmi K30 की स्टार्टिंग प्राइस 16,000 से 17,000 से स्टार्ट होगी और Mi Note 10 की स्टार्टिंग प्राइस 27,000 से स्टार्ट होगी। बाकी दोस्तों आप बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में, आप इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन से एक स्मार्टफोन के लिए एक्साइटेड हैं, और साथ ही साथ अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का।